डी ट्रिपल एस बी स्टूडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे जो शिक्षक भर्ती के ऊपर जो शिक्षा मंत्री जी ने जो क्या क्या बयान दिया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको एग्जाम की और वैकेंसी की अपडेट्स मिलती रहती है। ठीक है, तो आज की न्यूज़ है तो इसमें प्रदेश के 46 कॉलेजों के पासपन भवन ही नहीं, 45 कॉलेजों में 200 से कम शिक्षक विद्यार्थी, इसके बाद कैसे हो सुधार, स्कूलों में 38,476 शिक्षक तो 187 कॉलेजों में स्थायी प्रिंसिपल नहीं। तो इसमें जो है स्कूलों की शिक्षकों की और कॉलेजों की शिक्षकों की बात हो रही है, तो इसमें क्या क्या बोला गया है तो ये देख सकते हैं। शिक्षा स्तर में सुधार के लिए हरियाणा सरकार के तमाम दावे आंकड़ों के आगे धराशायी हो रहे हैं। स्कूलों में जहाँ 38,476 शिक्षकों की कमी है, तो प्रबंधन के लिए खंड शिक्षा अधिकारी के लिए 119 में से 64 पद खाली हैं। प्रदेश में खंड शिक्षा अधिकारियों के केवल 55 पद ही भरे हुए हैं। अधिकतर जगह प्रिंसिपलों को खंड शिक्षा अधिकारी का एडिशनल चार्ज दिया हुआ है। इसी प्रकार प्रदेश के 46 कॉलेजों के पास अपने भवन नहीं है, ये किराए के भवनों में चल रहे हैं। 127 कॉलेज ऐसे हैं जहां पर स्थायी प्रिंसिपल नहीं है। इनमें से काफ़ी संख्या में ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर पिछले 3-4 सालों से स्थायी प्रिंसिपल नहीं मिला है। इससे भी गंभीर बात यह है कि 45 कॉलेज ऐसे हैं जहां 200-200 से भी कम विद्यार्थी हैं। इनमें से 16 सरकारी और 29 निजी कॉलेज भी शामिल है। पंचकुला में 4, फरीदाबाद में 2 बीईओ के पद स्वीकृत हैं, लेकिन सभी खाली हैं। करनाल में 6 में से 4 पद खाली हैं। शिक्षा मंत्री कंवर पाल के गृह जिले यमुनानगर में 6 स्वीकृत पदों में से 3 खाली हैं। तो ये पूरी न्यूज़ तो हम नहीं पढ़ेंगे, इनमें जो है खाली पदों का जो है बहुत ब्यौरा दिया गया है। तो इसमें जो मेन है कि भाई शिक्षा मंत्री जी ने अब क्या कहा है देख सकते हैं। इसमें शिक्षा मंत्री के जिले में 3 पद खाली है, पूर्व शिक्षा मंत्री के जिले में सभी पद भरे। तो इसमें क्या कहा इन्होंने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विजन है कि बेटियों के लिए 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज हो। इसी नीति के तहत जहाँ जरूरत है नए कॉलेज खोले गए हैं, कॉलेजों के भवन तैयार किए जा रहे हैं। खाली पदों को भरने के लिए भी विभाग गंभीर है और भर्ती प्रक्रिया चल रही है। कांग्रेस ने अपने समय में शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया। तो शिक्षा मंत्री जी ने सिर्फ इतना ही कहा है कि भाई जो प्रक्रिया है वो चल रही है, और जो पिछली सरकारों ने भी शिक्षा पर कुछ नहीं किया, बस उन्होंने सिंपली अभी तक यही कहा है। तो बस उनके हिसाब से के माने तो भाई भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है, तो यही उनका बयान है। तो आगे कोई और अपडेट आएगी तो आपको बता दी जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।